हाय गाइस, दिस इज मिशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डू व्हाइल लूप के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैं पहले के वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लूप तीन तरह के होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। व्हाइल लूप एंड फॉर लूप के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, सो आज मैं आप लोगों को डू व्हाइल लूप के बारे में बताऊंगी। एट फर्स्ट बात करती हूँ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को आप एंट्री लेवल लूप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले कंडीशन को चेक किया जाता है, देन बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट किया जाता है। बट अगर मैं डू व्हाइल लूप की बात करूं, तो डू व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करते हैं, देन कंडीशन को चेक किया जाता है। डू व्हाइल लूप में एटलीस्ट एक बार आपके प्रोग्राम रन करते हैं, देन तभी कंडीशन को वो चेक करते हैं। अगर कंडीशन फुलफिल हुआ तो नेक्स्ट फिर से बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन रॉन्ग हुआ तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ये था डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप के सिंटैक्स, प्रोग्राम, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी। मैं स्टार्ट करती हूँ डू व्हाइल लूप के सिंटैक्स से। सो डू व्हाइल लूप के सिंटैक्स, डू व्हाइल लूप को आप कह सकते हैं एग्जिट लेवल लूप भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एग्जिट लेवल लूप। सो सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल लूप, सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल लूप, मैं स्टार्ट करती हूँ। एट फर्स्ट डू, डू आपका कीवर्ड है, इसके अंदर जाएंगे, स्टेटमेंट लिखूंगी मैं, स्टेटमेंट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, नाउ व्हाइल लिखूंगी, तब व्हाइल, यहाँ कंडीशन, सेमी कॉलन। जैसे आप व्हाइल लूप में कंडीशन लगाते थे, इसमें भी आपको कंडीशन लगाना है, एंड व्हाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखते थे वो आप डू के अंदर लिखोगे, बस यही डिफरेंसेस है इसमें। और एक और डिफरेंसेस क्या है, डू व्हाइल लूप में एक बार प्रोग्राम जरूर रन करता है, देन वो कंडीशन को चेक करता है, ठीक है। तो ये आपका डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स है। अब इसके प्रोग्राम, इसके कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मान लो मेरे पास एक प्रोग्राम बोलती हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप। मैं ऑलरेडी ये प्रोग्राम आप लोगों को फॉर लूप एंड व्हाइल लूप में बता चुकी हूँ, आज मैं इसे डू व्हाइल लूप में बताऊंगी। मैं लिख देती हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड 1 to 10 नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप। ये आपका प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड 1 to 10 नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप। मैं डेव सी प्लस प्लस ओपन कर देती हूँ, डेव सी प्लस प्लस में क्या है, प्रोग्राम लिखे जाते हैं, सी एन सी प्लस प्लस के, फाइल में जाओ, न्यू, स्टार्टिंग हैज इंक्लूड std.h, देन मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होगा, मैं मेन फंक्शन स्टार्ट करूंगी, कर्ली ब्रैकेट। अब क्या करना है, 1 to 10, मेरे को पता है कि 1 से लेकर 10 तक का प्रिंट करना है, तो यूजर से कोई वैल्यू नहीं लेना होगा, एंड i = 1। डू व्हाइल लूप स्टार्ट करना है, पहले कैसे लिखना होगा, डू, तो डू के कंडीशन लिखूंगी, कर्ली ब्रैकेट ओपन, प्रिंट क्या करना है, आई का वैल्यू, आई में 1 है तो 1, आई अगर 2 हो जाएगा तो 2 प्रिंट करना होगा, तो मैं प्रिंट ऑफ %d आई को प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है, ये आई को तो प्रिंट कर देगा, बट अभी आई का वैल्यू क्या है, 1 प्रिंट करेगा, देन आई को आपको क्या करना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा, आई को मैं इंक्रीमेंट कर दी। अब क्या हो गया, 1 प्रिंट करेगा, देन 1 को इंक्रीमेंट किया, बट यहाँ कंडीशन तो लगाना होगा आपको, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, वो कहाँ तक जाएगा, 10 तक, सेमी कॉलन, रिटर्न जीरो। देखो ये क्या, आई इक्वल टू 1 प्रिंट करेगा 1, देन आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, और वो क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन फुलफिल किया, वो क्या करेगा, फिर से 2 को प्रिंट करेगा, ये लूप आपका 10 टाइम्स चलेगा। मैं पहले इसे सेव कर देती हूँ, डू के एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। एट फर्स्ट वो क्या करेगा, आई का वैल्यू प्रिंट 1 प्रिंट करेगा, देन 2, देन 3, ऐसे वो 10 टाइम तक प्रिंट करेगा।
सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखो 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया। अब आप चाहते हो कि ये एक कॉलम में आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ स्लैश एन यूज कर लो, कंट्रोल एस एंड फिर से इसे एग्जीक्यूट कर दो। 1 2 3 4 5 6 ये आपका प्रोग्राम डुवाइल लूप से रन हो गया। अब आप चाहते हो कि 1 to nth term हो और nth term कौन डाले, यूजर डाले, इसके प्रोग्राम कैसे लिखोगे, i इक्वल टू 1 तो रहेगा, एक n नाम का वेरिएबल ले लेंगे एंड यूजर से इसमें वेरिएबल इनपुट करवा लेंगे, प्रिंट ऑफ इंटर nth term scanf के थ्रू एक्सेस करना है, scanf % d एंड में यूजर से वैल्यू लेना है एंड सेमी कॉलन स्टार। अब क्या i इज इक्वल टू i लेस देन कहाँ तक जाएगा, एन तक, यूजर जहाँ तक चाहेगा वहाँ तक वैल्यू जाएगा। कंट्रोल एस से मैं सेव करती हूँ, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। मान लो मैं 20 डाली, 1 to 20 वो प्रिंट कर दिया। अब मान लो मेरे को चाहिए कि हाँ ये 1 to nth term का एडिशन उसे चाहिए, वो आप डू वाइल लूप से कैसे बनाओगे। मैं ऑलरेडी आप लोगों को वाइल एंड फॉर लूप से बता चुकी हूँ, आज मैं आप लोगों को डू वाइल लूप से बताऊंगी। सो आई प्लस प्लस यहाँ तो इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ मैं क्या करूँगी, प्रिंट ऑफ आई का वैल्यू क्या, 1, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम प्लस आई, ये क्या करेगा, सम में 0, 0 प्लस आई का वैल्यू क्या है 1, तो 0 प्लस 1 1, देन आई का वैल्यू अभी सम में क्या स्टोर है 1, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट किया, आई क्या हो गया 2, सम इज इक्वल टू 1 प्लस आई का वैल्यू 2 3, ऐसे करके जितने टाइम तक यूजर चाहेगा उतने टाइम तक वो एडिशन करेगा और फिर आप इसे प्रिंट करवा दो, प्रिंट ऑफ एडिशन ऑफ nth टर्म इज परसेंट डी कॉमा nth टर्म सम में स्टोर होगा, सम nth की जगह आप यहाँ डालो तो परसेंट dth टर्म, तो परसेंट dth टर्म में आ जाएगा, n में यूजर वैल्यू डाल रहा है, ठीक है। अब मैं इसे सेमी कॉलन सेव कर देती हूँ, कंट्रोल एस से सेव, अब इसे रन कर देती हूँ, सॉरी सम को मैं डिक्लेयर नहीं किया, सम इज इक्वल टू 0। nth टर्म मैं डालती हूँ 20, देखो ये nth टर्म का एडिशन क्या आ गया 210, ये एडिशन दे दिया। आप 50 चाहते हो 50, आप 100 टर्म का एडिशन चाहते हो तो 100 टर्म का ये एडिशन देगा। ये हुआ प्रोग्रामिंग के प्रॉफिट की, प्रॉफिट यहाँ एक प्रोग्राम से हम कितने भी टर्म तक का एडिशन लिख सकते हैं। मान लो मैं डालती हूँ 50 टर्म तक का आपको एडिशन दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी डू वाइल लूप को यूज कैसे करते हैं, डू वाइल लूप के प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। ये था हमारा डू वाइल लूप। अब मैं आप लोगों को दो प्रोग्राम बताऊंगी। फर्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द पैटर्न लाइक सॉरी टू राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द पैटर्न लाइक राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग एन हैशटैग सिंबल। मींस आपको ये जो हैशटैग सिंबल से यूज किया हुआ ट्रायंगल बनाया गया ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है। मैं वैसा एक प्रोग्राम बनाऊंगी जो आउटपुट में मेरे को ऐसा दे। तो इसके लिए क्या करना होगा, एट फर्स्ट प्रिंट क्या करवाना है, हैशटैग सिंबल प्रिंट में ये डाल दोगे। ये क्या आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसे करके वो 5 रो तक गया है एंड और कॉलम भी 5 तक गया है। तो मेरे को एक लूप रो के लिए चलाना होगा और एक लूप कॉलम के लिए। मैं इसके प्रोग्राम आप लोगों को बताती हूँ। न्यू में जाओ, सोर्स कोड, एट फर्स्ट हेडर सेक्शन डॉट एच, देन मेन फंक्शन स्टार्ट करती हूँ मैं। अब क्या है, यहाँ एक दो लेना है, एक आई और एक जे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, एंड आई कॉमा जे, ओके। अब क्या है, फोर लूप लगाऊंगी मैं, फोर लूप, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1, यहाँ कितना रो है हमारे पास, 5 रो है, सो मैं आई को कहाँ तक चलाऊंगी, 5 तक,
आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव आई प्लस प्लस। नेक्स्ट मैं फिर से फोर लूप लगाऊंगी, फोर जे के लिए, जे भी वन से स्टार्ट होगा, जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू, देखो यहाँ यहाँ मैं बोलूँ तो आई इक्वल टू वन है और जे क्या है, जे भी वन है, तो ये कहाँ तक गया, आई वन है जे भी वन तक ही गया। अब आई इज इक्वल टू टू बट जे इज इक्वल टू वन एंड जे कहाँ तक गया, टू मीन्स वो आई पर डिपेंडेंट है, आई जहां तक जाएगा जे भी वहां तक ही जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई जे इज लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। इसके अंदर आप क्या प्रिंट करवा दो, स्टार प्रिंट ऑफ, स्टार प्रिंट करवा दो एंड प्रिंट ऑफ स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए आप यूज कर लो स्लैश एंड। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट, रिटर्न जीरो। कंट्रोल एस से मैं सेव करती हूँ, पैटर्न का प्रोग्राम है, पैटर्न से सेव कर दी। देखो ये क्या कर रहा है, आई और जे तो वेरिएबल नहीं है, इंटीजर आई, रो कितना है फाइव रो एंड कॉलम कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट रो में कितना कॉलम है, फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है, सेकेंड रो में दो कॉलम है, तो आई इज इक्वल टू टू, तो जे कहाँ तक जाएगा, टू तक। जब आई इज इक्वल टू वन होगा एंड जे इज इक्वल टू वन तो क्या प्रिंट करेगा, स्टार एंड आई इज इक्वल टू, जब इंक्रीमेंट हो जाएगा टू, आई का वैल्यू क्या हो गया टू, टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन फुलफिल किया, सेकेंड रो में वो पहुंच गया, सेकेंड रो में पहुंचा, अब क्या जे इज इक्वल टू वन, तो आई इक्वल टू टू जेड इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जे का वैल्यू क्या है वन, वन इज लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू टू है, तो कंडीशन फुलफिल किया, प्रिंट क्या करेगा एक बार स्टार। नेक्स्ट फिर से वो क्या करेगा, जे को इंक्रीमेंट करेगा एंड जे का वैल्यू क्या हो जाएगा टू, टू इज लेस देन इक्वल टू टू, कंडीशन फुलफिल किया, देन वो फिर से क्या प्रिंट करेगा स्टार, एक और स्टार प्रिंट करेगा, देन जे को जब इंक्रीमेंट किया जाएगा तो जे का वैल्यू थ्री हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, वो कहाँ चला जाएगा आई के पास और आई को इंक्रीमेंट कर देगा एंड थर्ड रो के पास जाएगा। तो ये लूप फाइव टाइम्स चलेंगे, आई के लूप फाइव टाइम्स चलेंगे, जब आई के लूप फाइव टाइम्स कंप्लीट हो जाएंगे देन हम ये क्या हो जाएगा, आई वाले लूप से भी बाहर निकल जाएगा कंपाइलर और प्रोग्राम को आउटपुट आप लोगों को दे देगा। मैं इसे रन करती हूँ, देखो ये क्या आपको एडिटिव पैटर्न दे दिया, एक मिनट अगेन मैं इसे रन करती हूँ। देखो जैसा आपने पैटर्न चाहा था वैसा दे दिया, अब मान लो यूजर चाहता है नहीं पैटर्न ऐसा ही आना चाहिए बट कितना रो आना चाहिए वो मैं बताऊंगा, तो इसके लिए बस एक और वेरिएबल आप ले लो, कॉमा एक्स नाम का वेरिएबल ले लो, यूजर से इसमें वैल्यू ले लो, प्रिंट ऑफ इंटर द रो नंबर, इंटर द रो नंबर, ठीक है, स्कैन ऑफ के थ्रू यूजर से वैल्यू ले लिया जाएगा, स्कैन ऑफ परसेंट डी कॉमा एंड एन में एक्स है सो एक्स में आएगा वो, आई का वैल्यू कहाँ तक जाएगा एक्स तक जाएगा, बस कंट्रोल एक्स कर दो एंड एग्जीक्यूट कर दो इसे। मैं डालती हूँ टेन, वो टेन तम तक दे दिया, अब मैं अगेन इस डालती हूँ ट्वेंटी डालती हूँ, देखो ट्वेंटी तक प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा पैटर्न का प्रोग्राम, आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आई होगी। अब मैं बात करती हूँ परफेक्ट नंबर, एक और प्रोग्राम है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द परफेक्ट नंबर। अब आप लोग सोच रहे होंगे परफेक्ट नंबर क्या होता है, सो परफेक्ट नंबर वो नंबर है कि कोई भी नंबर का अगर डिविजर का सम परफेक्ट सॉरी कोई भी नंबर का डिविजर का सम अगर उस नंबर के इक्वल आ गया तो वो क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट नंबर, मीन किसी भी नंबर का डिविजर को सम करने के बाद वो उस नंबर के इक्वल आ गया तो वो क्या हो जाएगा परफेक्ट नंबर। मान लो मैं एग्जाम्पल में बताती हूँ, एग्जाम्पल 28 एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है, इसका डिविजर क्या क्या है, वन प्लस, मैं एडिशन करते चलती हूँ, टू प्लस फोर प्लस सेवन प्लस फोर्टीन, सॉरी फोर्टीन,
तो ये सबको ऐड करने पे कितना आ जाएगा 28। तो ये 28 सम होने के बाद इस नंबर के इक्वल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट नंबर। इसी का प्रोग्राम मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। मैं स्टार्ट करती हूँ, फाइल में जाती हूँ, सोर्स फाइल, एट फर्स्ट हेडर सेक्शन हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। नेक्स्ट में क्या करूँगी, मेन फंक्शन स्टार्ट करना है। अब क्या करना है मेरे को, एट फर्स्ट नंबर चाहिए, यूजर से आप नंबर ले लो, प्रिंट एट फर्स्ट इंट एक्स, यूजर से नंबर लेने के लिए प्रिंट ऑफ इंटर एनी वैल्यू, इंटर एनी नंबर, स्कैन ऑफ परसेंट डी कॉमा एंड एक्स में वैल्यू है स्टोर हो एक्स सेमी कॉल। अब क्या करना है मेरे को, लूप चलाना होगा क्योंकि वो परफेक्ट नंबर को एडिशन करेगा, डिविजन करेगा, तो एट फर्स्ट मेरे को लूप चलाना होगा। मैं लूप के लिए फोर इंट आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू एक्स आई प्लस प्लस। देखो डिविजर कैसे निकाला है, सबसे पहले मैं प्रोग्राम बताऊंगी डिविजर निकाला, डिविजर निकालेंगे कैसे। मान लो कोई भी नंबर है, फाइव नंबर है, तो फाइव का डिविजर आप कैसे निकालते हो, वन से भी डिवाइड देते हो, टू से डिवाइड देते हो, थ्री से डिवाइड देते हो, एंड देख चेक करते हो कि रिमाइंडर जीरो आया या नहीं। रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो क्या है, वो उसका डिविजर है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो वो उसका डिविजर नहीं है। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ कौन सा नंबर जो दिया गया वो डिविजर किस में आता है, मॉड्यूल में, एक्स मॉड्यूल आई, ये फोर लूप क्यों लगाए, क्योंकि आई वन से लेकर के कहाँ तक, सॉरी लेस देन तक, मीन्स वन से लेकर 27 तक वो चेक करेगा डिविजर, डिविजिबल। अगर रिमाइंडर जीरो हुआ तो वो डिविजर है, नहीं तो नहीं। पहले क्या करेगा, वन, एक मिनट, एक्स मॉड्यूल आई इज इक्वल टू जीरो आता है तो वो क्या है, प्रिंट ऑफ करेगा, प्रिंट ऑफ परसेंटी कॉमा परसेंटी कॉमा आई। देखो यहाँ क्या है, एट फर्स्ट क्या करेगा वो, आई इक्वल टू वन एक्स, मान लो 28 डाला गया है, 28 मॉड्यूल वन इज इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो आता है तो क्या प्रिंट करेगा, वन, वन को प्रिंट करेगा क्योंकि वो डिविजर है। टू को चेक करेगा, टू भी डिविजर है, देन फिर वो थ्री, थ्री को चेक, थ्री इंक्रीमेंट होके आएगा, थ्री को चेक करेगा बट वो डिविजर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इस इफ वाले स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा। ऐसे मेरे को सारा डिविजर जो भी है वो मिल जाएगा, रिटर्न जीरो, कंट्रोल एस से सेव करती हूँ, मैं परफेक्ट नंबर के प्रोग्राम में तो परफेक्ट से सेव करती हूँ, सेव कर एग्जीक्यूट। इंटर एनी नंबर, मान लो मैं डालती हूँ अभी फाइव, देखो फाइव का एक ही डिविजर है वन। अगेन मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, कंपाइल एंड रन, 12 डालती हूँ, देखो 12 का डिविजर क्या है, वन टू थ्री फोर सिक्स। आप लोगों को डिविजर तो मिल गया, डिविजर कैसे निकलेगा, अब मेरे को क्या चाहिए, उस डिविजर का सम पहले चाहिए, और अगर सम इक्वल होता है उस नंबर के तो वो क्या है, परफेक्ट नंबर। एट फर्स्ट सम बनाने के लिए सम नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, सम इक्वल टू जीरो, एंड प्रिंट एफ आई में प्रिंट हो रहा है, मैं यहाँ ही सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर दूंगी। अब क्या है, एंड फॉर मैं सम इज इक्वल टू आई, और मैं सम को प्रिंट करवाती हूँ ताकि समझ में आए कि हाँ मेरा सम सही सम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए सम इज परसेंटी कॉमा, सम में वैल्यू स्टोर हो रहा है सम, कंट्रोल एस, अगेन मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, मान लो मैं 12 भी डालती हूँ, एंटर, देखो 6 14
ये क्या है, सम इज 16 आ गया। सम तो मेरे को निकल रहा है, हम लोगों का सम निकल रहा है। अब चेक क्या करना है कि ये डिविजर है, सॉरी ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो सम तो निकल गया, अब मैं क्या करूँ, कंडीशन फिर से लगाऊंगी इफ इफ एक्स में वेरिएबल, यूजर किस में डाल रहा है वैल्यू एक्स में, एक्स इज इक्वल टू सम होता है तो वो क्या है, प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट ऑफ आर्मिस्ट सॉरी परफेक्ट नंबर परसेंट डी इज आर्मस्ट्रांग नंबर सॉरी परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर एल्स एल्स प्रिंट ऑफ परसेंट डी इज नॉट परफेक्ट नंबर। स्लैश साइन यूज करते हैं ताकि वो न्यू लाइन पर प्रिंट करे, स्लैश साइन कंट्रोल एस से मैं सेव करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ। नंबर मान लो मैं डालती हूँ 12, ये डालती हूँ क्या है, इसका एडिशन 16 है, माइनस 1998216 इज नॉट परफेक्ट नंबर, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ आपको वैल्यू नहीं डाली, सम में वैल्यू ऐड हो रहा है, सम नहीं एक्स में वेरिएबल है, एक्स जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है, कॉमा एक्स अभी सही आउटपुट देगा। मैं डालती हूँ 28, देखो सम इज 28 एंड 28 इज परफेक्ट नंबर। अगेन मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, मान लो अब आप 12 जान लो क्या है, वन इसका डिविजर क्या है, 1 2 3 4 5 6 सम इज 16, 12 इज नॉट परफेक्ट नंबर। यहाँ आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी परफेक्ट नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर के प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, एंड डिविजर अगर किसी भी वैल्यू का निकाला जाए तो वो कैसे निकाला जा सकता है, ये सारे चीज आप इस प्रोग्राम में सीख सकते हैं। सो मैं आज आप लोगों को बताई क्या डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के प्रोग्राम बताई एंड परफेक्ट नंबर बताई एंड पैटर्न बताई। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू गाइज।